सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग फिर से बात करेंगे कैप्लेडियंस के उस ब्रांड न्यू विलन के बारे में जो कि अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम कुछ और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। लेकिन जो एक स्नीक पिक शेयर किया था टीम कैप्लेडियंस ने एंड लास्ट न्यूज़ वीडियो में भी, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि चार विलन्स हैं। पहला रॉड है, दूसरे नंबर पर सिस्टर मेडलाइन है, फिर मिस्टर मीट है, एंड देन वो फोर्थ जो नया विलन ऐड हुआ है वो है। तो यहाँ पे ये कोई किंग मुझे लग रहा है, कोई ऐसा किंगडम का कोई ऐसा होता है ना व्यक्ति, वैसा कुछ लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये शायद किंग ना भी हो, क्योंकि किंग का गेम एक ऑलरेडी आ चुका है जो कि एंग्री किंग है। तो कुछ कुछ किंग टाइप ही इसकी कैटेगरी हो सकती है, उसके जैसा ही कुछ ये हो सकता है, क्योंकि इसके हेड पे ना एक फेदर भी लगा हुआ है जो कि हम क्लियरली समझ सकते हैं देख के। तो ऐसा कौन होता है जिसके हेड पे फेदर होता है? तो जब मैंने ये चीज़ सर्च करी तो कुछ लोग मेरे को दिखे, तो शायद इन्हीं कैटेगरी में से कोई एक ये हो सकता है। सो फेदर ऑन हेड सर्च करने पे जो मुझे कुछ कुछ लोग मिले हैं, उनमें मोस्टली वॉरियर या फिर इस टाइप के किंग टाइप के फेस ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे जैक स्पैरो है, एंड यहाँ पे एक किंग है, यहाँ पे एक वॉरियर भी हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आई थिंक इसी टाइप का कोई ये न्यू कैरेक्टर हो सकता है। मे बी ये कोई शिप का पायरेट हो, या फिर कोई बहुत ही मतलब क्रूअल किंग हो। सो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड फेदर किसके हेड पे होता है आपके अकॉर्डिंग, इस चीज़ के अलावा जो मैंने बताया, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इस कैरेक्टर के बारे में आपकी क्या थ्योरीज़ हैं और वो भी कमेंट बताना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।